हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड इन दिनों हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू ऑन सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो इस फॉर्म ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है इस पर मैंने ऑलरेडी छह वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि आपने वो वीडियो देख भी लिए होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वैसे अगर मैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल एमसीक्यू अपनी सीरीज की बात करूं तो मैं लगभग 50 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस एमसीक्यू सीरीज की जिसमें मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 800 क्वेश्चन एमसीक्यू के डिस्कस कर चुकी हूं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट और जो डिफरेंट सब्जेक्ट अभी तक जो मैंने कवर किए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे मैंने क्लास क्लास इलेवें की जो अकाउंटेंसी है उस पर एमसीक्यू डिस्कस किया है कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट एफ एम ईको और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस समय डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारे ही सब्जेक्ट मैं कवर कर चुकी हूं और आने वाले वीडियो में मैं और भी नए सब्जेक्ट इंक्लूड करूंगी ठीक है तो ये जो एम सी क्यू सीरीज है इनका जरूर फायदा उठाइए इसकी मदद से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें ज्यादा ज्यादा शेयर करिए राइट अच्छा एक बात और है ये जो एम सी क्यू सीरीज है ना मैं सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रख के करा रही हूँ तो चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स की कर रहे हैं या किसी भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इस समय अगर ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम में है आपके सिलेबस में है देन दिस वीडियो सीरीज ये जो एम सी क्यू की सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है तो जरूर एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा ठीक है इनसे भी पढ़िएगा राइट right. तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किन्हें कहा जाता है ड्रकर को पीटर ड्रकर इनका पूरा नाम है ड्रकर को टेरी को फ्योल को या टेलर को किनको कहा जाता है फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ठीक है दिस इज द क्वेश्चन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन तो जरा मैं सभी के बारे में बता देती हूँ आ, ये जो आ, पहले पीटर ड्रकर के बारे में जो पीटर ड्रकर है उनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट ये जो पीटर ड्रकर है ये है फादर ऑफ मैनेजमेंट और ये जो हेनरी फ्योल है ये तो आप जानते ही होंगे बहुत पॉपुलर इन्होंने फोर्टीन प्रिंसिपल्स दिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के फोर्टीन प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल ने इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये जो हेनरी फ्योल है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो पीटर ड्रकर है उन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा पीटर ड्रकर इज फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्यूल इज फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ठीक है और ये जो टेलर है ये एफ डब्ल्यू टेलर इनका पूरा नाम है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ठीक तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर पता चल गया आपका आंसर कौन सा सही है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन है हेनरी फ्यूल राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ चार ऑप्शन दिए गए हैं पहला है मैनेजिंग कस्टमर मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कीपिंग कॉम्पिटिटर्स अंडर प्रेशर गेटिंग थिंग्स डन बाई ग्रुप ऑफ पीपल तो मैनेजमेंट क्या है ये पूछा गया है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है दिस इज द क्वेश्चन क्वेश्चन तो uh, ये जो है इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था याद आ रहा है आपको दिस इज अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी बेसिक डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय हिक्स हिक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाली डिफिनिशन दी थी बहुत ही बेसिक डिफिनिशन है मैनेजमेंट की

डिस्कशन हो रहा है कि आर्ट ऑफ गेटिंग अगला क्वेश्चन है scientific management is concerned with. जो scientific management है ये किससे कंसर्न कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इंक्रीज प्रोडक्शन थ्रू लॉन्ग एक्सपीरियंस एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू द मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन या इंक्रीज सेल्स ठीक है ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपसे पूछा जा रहा है ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किससे रिलेटेड है तो आप जानते हैं जो एफ डब्ल्यू टेलर थे उन्होंने दिया था साइंटिफिक जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है इन्होंने दिया था ठीक है इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ डब्ल्यू टेलर है उन्होंने इस बात पे ज्यादा इंफेसिस किया था कि जो मैनेजीरियल प्रॉब्लम्स है ना उनको साइंटिफिक वे से साइंटिफिक टूल साइंटिफिक एलिमेंट साइंटिफिक टेक्निक लगा के सॉल्व करनी चाहिए ठीक है ये बात कही थी एफडब्ल्यू टेलर ने इन्होंने मैनेजीरियल प्रॉब्लम को साइंटिफिक वे से सॉल्व करने पे इम्फेसिस दिया था और जो एफडब्ल्यू टेलर है उन्होंने बहुत सारे टूल्स बताए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के याद है ना बहुत सारे टूल्स थे जैसे चलिए कुछ टूल डिस्कस करते हैं जैसे था उन्होंने कहा था सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग ठीक है उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की थी उन्होंने जॉब एनालिसिस की बात की थी उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की बात की थी उन्होंने साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग पे फैसिस किया था उन्होंने फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात की थी ठीक है तो ये कुछ उन्होंने टूल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के ठीक है तो अब मेरे ख्याल से काफी कुछ मैंने बता दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में तो अब आपको सही आंसर पता चल गया होगा कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है

चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है डैश रिफर्स इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सन टू द जॉब एंड द से कौन सा चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा फंक्शन है ठीक है या कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू जो भी पर्सन है ठीक है जो भी न्यू पर्सन है उसको जॉब पे या ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसके थ्रू इंडक्शन के थ्रू सिलेक्शन के थ्रू रिक्रूटमेंट के थ्रू या प्लेसमेंट के थ्रू किसके थ्रू किसी पर्सन को नई जॉब नए ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है दिस इज द क्वेश्चन तो आ, आपने पढ़ा होगा इंडक्शन चलिए मैं चारों के ही बारे में बता देती हूँ आपको खुद ही आंसर पता चल जाएगा चलिए सबसे पहला होता है सबसे पहला खैर कही आंसर है चलिए मैं सेकंड से शुरू करती हूँ मैं आपको पहले सिलेक्शन के बारे में बताती हूँ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में बताती हूँ तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आप जानते हैं <coughs> रिक्रूटमेंट क्या है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो कैंडिडेट है जो भी वैकेंट पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए कैंडिडेट को मतलब मोटिवेट किया जाता है कि कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई करे दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट को कहा जाता है कि इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है जबकि सिलेक्शन क्या होता है सिलेक्शन मतलब चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट पूल ऑफ एप्लीकेंट में से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना इज सिलेक्शन और प्लेसमेंट क्या है द एक्ट ऑफ प्लेसिंग समवन इन अ पर्टिकुलर जॉब यानी जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई आ गया है ठीक है उसका इंडक्शन हो गया है वो रिक्रूट हो गया है ठीक है उसका सिलेक्शन हो गया है अब उसको एक पर्टिकुलर जॉब पे प्लेस किया जाता है उसे पर्टिकुलर जॉब असाइन की जाती है दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट ठीक है तो मैंने आपको सिलेक्शन बता दिया रिक्रूटमेंट बता दिया प्लेसमेंट बता दिया अब आ जाइए इंडक्शन पे तो इंडक्शन क्या होता है जब भी कोई इंप्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है ठीक है या कोई स्टूडेंट जब नया कॉलेज ज्वाइन करता है तो एक इंडक्शन प्रोग्राम कराया जाता है जिसके थ्रू जो नया एम्प्लॉई है या जो नया स्टूडेंट है उसको उस ऑर्गेनाइजेशन उस कॉलेज के बारे में जो भी रूल रेगुलेशन है जो भी पॉलिसीज हैं जो भी हिस्ट्री है कॉलेज की या ऑर्गेनाइजेशन की उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है दिस इज कॉल्ड इंडक्शन तो अब मेरे ख्याल से आपको सही जवाब पता चल गया है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इंडक्शन इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू नया जो पर्सन है उसको उसकी जॉब से ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है डैश इज द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट इम्प्लॉय टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इसमें से कौन सा फंक्शन है चार फंक्शन आपको दिए गए हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग मोटिवेटिंग ठीक है चार फंक्शन दिए गए हैं आपको बताना है किस फंक्शन के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है

ठीक है ये भी मैं कई बार बता चुकी हूँ और लीडिंग भी डिस्कस हो चुका है तो मेरे ख्याल से आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा तो बता दे रही हूँ जो लीडिंग है लीडिंग के थ्रू बेसिकली इंप्लॉय को मोटिवेट किया जाता है उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके ठीक है लीडिंग के थ्रू ये काम होता है लीडिंग में क्या होता है पीपल को मैनेज किया जाता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को मैनेज किया जाता है देन टास्क टास्क पे नहीं की बात होती है 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 लीडिंग में जो लीडरशिप डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन है, है, है जहाँ पे टीम की बात हो ग्रुप की बात हो मोटिवेशन की बात हो ये सब लीडिंग में होता है दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने कई फंक्शन डिस्कस किए थे ना मैनेजमेंट के तो लीडिंग ही लीडिंग भी आल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसके थ्रू एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन पता चल गया है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर राइट अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मेरे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम कॉम की जो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है स्टैट्स ठीक है और एफ एम ई को एंड वन थाउजेंड एमसी क्यू सीरीज इन सारे ही टॉपिक पे डिटेल वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है मैंने आपके लिए अपने चैनल पे 250 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं और बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे सब्जेक्ट पे वीडियोस अभी पाइपलाइन में है तो जरूर इनका फायदा उठाइए इनकी मदद से खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए और एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि अभी तक मैं किन टॉपिक को कवर कर चुकी हूँ ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इन टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ टॉपिक नहीं बेसिकली ये सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट को मैं अभी कवर कर चुकी हूँ और बहुत सारे नए सब्जेक्ट जैसे ऑडिटिंग टैक्सेशन इकोनॉमिक्स एफ ये सब मैं आने वाले समय में कवर करने वाली हूं तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्या है द पर्पज ऑफ कंट्रोल एस टू जो कंट्रोल है इसका क्या पर्पज है पहला ऑप्शन है फिक्स स्टैंडर्ड मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस फाइंड आउट डेविएशन ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन है ए बी सी तीनों तो आपको बताना है कि वॉट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल कंट्रोल का क्या पर्पज है तो हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था ठीक है तो हमने देखा था कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग में क्या होता है कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ठीक है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ क्या किया जाता है कंपेयर किया जाता है ठीक है एंड इफ देयर इज एन अनफेवरेबल डेविएशन अगर कोई अनफेवरेबल डेविएशन है देन करेक्टिव एक्शन लिया जाता है ठीक है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है और अगर कोई अनफेवरेबल डेविएशन है तो उसके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं तो ये होता है कंट्रोलिंग में तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल कंट्रोल का क्या पर्पस है कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है डेविएशन को फाइंड आउट किया जाता है तो ये तीनों ही काम होते हैं कंट्रोलिंग में तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि डैश इज दैट मैनेजीरियल फंक्शन इसमें से कौन सा मैनेजीरियल फंक्शन है विच इनिशिएट ऑर्गेनाइज एक्शन जो ऑर्गेनाइज एक्शन को इनिशिएट करता है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग

तो एक बार जरूर उनको जाके देखिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा बताइए एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोच के मुझे बताइए कि विच वन विल बी द आंसर कौन सा आंसर होगा कौन सा ऐसा मैनेजीरियल फंक्शन है जो इनिशिएट करता है ऑर्गेनाइज एक्शन को तो मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि डायरेक्टिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है मैनेजर इंस्ट्रक्ट करता है गाइड करता है परफॉर्मेंस को ओवरसी करता है ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको ऑर्गेनाइज वे में अचीव किया जा सके ठीक है तो डायरेक्टिंग क्या है डायरेक्टिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर गाइड करता है ठीक है इंस्ट्रक्ट करता है तो वो बेसिकली डायरेक्टिंग वो मैनेजीरियल फंक्शन है जो इनिशिएट करता है ऑर्गेनाइज एक्शन तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है दवा चल रही है लेकिन वीडियो बनाए बिना मैं रह नहीं सकती इसलिए मैं खराब गले के साथ ही वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू